लाहौर से खबर शामिल करेंगे, जहां पर समाजी रहनुमा राजा वॉल्टर ने लाहौर प्रेस क्लब के बाहर मिनॉरिटी पीपल्स अलायंस के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए कहा कि गुज़श्ता दिनों फैसलाबाद में एक एहतजाजी मुजाहरे में सलीब की बेहुरमती की गई, जिससे मसीहियों की दिल आज़ारी हुई है, जबकि इस वाक़े पर किसी सियासी जमात के मिनॉरिटी विंग की जानिब से कोई भी बयान जारी नहीं किया गया। लिहाजा हम मुतालबा करते हैं कि मौजूदा हुकूमत इस वाक़े का नोटिस ले और सलीब की बेहरमती करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको सजा दिलवाई जाए, ताकि मुल्क में शहर पसंद गिरोह का रास्ता हमवार होने से रोका जाए। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो अकलियतें ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगी कि हमें इंसाफ फ्राहम नहीं मिल सकता। मजीद राजा वॉल्टर ने क्या कहा, जानते हैं इस वीडियो में। चूंकि मैंने भी बहुत से जुल्मों के दम अपने ही लीडरान के जरिए देखे हैं, ये जितने भी सिलेक्टेड चौपर हैं, जितने भी सिलेक्टेड नुमाइंदे हैं, मैं सब मुद्दियों को गुजारिश करूँगा, ये ध्यान रखें कि ये आपके नुमाइंदे नहीं हैं, इसलिए इस तहरीक का हिस्सा बने और सिलेक्शन का मुकम्मल बाइकॉट करें। अभी हालिया इन दिनों में आप देखते हैं कि आपके पाक निशान के लीग के पाक निशान की बेहुरमती होती है, और कहीं से किसी शॉपर का, किसी भी हुकूमती नुमाइंदे का, जो ये मिनॉरिटी विंग्स के हैं, किसी की भी कोई भी ऐसी कोई भी मजम्मती बयान नहीं आता। कोई भी ये सिस्टम में रहते हुए भी इन लोगों से डरते हैं, और आपके डर की वजह से ये बिल्कुल मजबूत होते जा रहे हैं।